चीन को अपनी औकात रूस में समझ आ गई होगी जब कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं मिला। इतना घटिया हाल रूस में चीन का हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल चीन पाकिस्तान का हाल हर मुल्क में कुछ ऐसा ही होता है। इनकी बेइज्जती खबर हर कोई देखता है। खुद चीन पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती करता है इस तस्वीर को भला आप कैसे भूल सकते हैं। और अब आपको देखनी चाहिए कि जो अपने दोस्त की इज्जत नहीं कर सकता उसकी इज्जत भला दूसरे देशों में कैसे होगी। यही हाल हुआ चीन का भी। चीन के विदेश मंत्री को कोई पूछने वाला तक नहीं मिला, अकेले अकेले भटकते रहे। वहीं आपको देखना चाहिए कि रूस में राजनाथ सिंह का कितना तगड़ा स्वागत हुआ, कैसे उनकी एक एक बात को टकटकी लगाए सुन रहे हैं लोग। लेकिन बात चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगी की करें तो उन्हें मालूम था कि उनकी बेइज्जती कुछ इसी अंदाज में होगी, इसलिए ग्लोबल टाइम्स ने भी उनका फोटो शेयर तक नहीं किया। और रूस में तगड़ी बेइज्जती के बाद अब वहां के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने हाथ फैला रहे हैं, क्योंकि चीन को अपनी औकात समझ आ चुकी है। इसीलिए चीन के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं। दरअसल भारत चीन तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के साथ बैठक का अनुरोध किया। जानकारी के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने अपने समकक्ष भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के लिए समय मांगा है। हालांकि भारत ने इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। दरअसल ये सब तब हो रहा है जब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 29-30 की दरमियानी रात और 31 अगस्त की रात चीनी सेना की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई थी और भारत ने तगड़ा जवाब देते हुए ब्लैक टॉप पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद चीन गिड़गिड़ाता रहा, बैठक में हल निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारत ने भी मना कर दिया है, पहले आप सब जगहों से पीछे जाएंगे, उसके बाद भारत अपना कदम उठाएगा। और इसीलिए अब रूस में चीनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन तय है कि भारत अब चीन को घास डालने वाला नहीं है, बल्कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी रणनीति बन चुकी है।